करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि बेरोजगार युवाओं से 3 से 4 लाख रुपए ये लोग ठगते थे। अग्निवीर बनाने के नाम पर लोगों से यह ठगी किया करते थे। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलंदशहर पुलिस ने अग्निवीर बनाने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। 70 से अधिक बेरोजगारों से ये अग्निवीर बनाने का सपना दिखाकर ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर भारी संख्या में फर्जी आधार कार्ड, मार्कशीट आदि फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अग्निवीर बनाने के लिए युवाओं से 3 से 4 लाख रुपए की यह गिरोह वसूली किया करता था। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र व खानपुर क्षेत्र के रहने वाले युवाओं के सपनों के ये सौदागर बने हुए थे। बुलंदशहर स्वाट टीम को इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। ये थाना जहांगीराबाद और एसओजी की टीम के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आर्मी में जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसमें भर्ती कराने के नाम पर पैसा ऐड कर थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि कुछ लड़के जो कि वहाँ भर्ती के लिए जा रहे हैं उनको यह बोलकर कि उनकी वहाँ पर भर्ती करा देंगे और वहाँ पर ये दिखाते थे ऐसा कि इनका कोई वहाँ लोकल आर्मी है और लोगों की भर्ती करवा सकते हैं। इसके आधार पर ये पैसे लेते थे और जो बच्चे सही में सेलेक्ट हो जाते थे उनसे ये पैसे वसूल लेते थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे लड़के जिनकी उम्र अधिक हो गई है उनके फेक आई कार्ड्स भी बनाते थे जो कि उनके पास से बरामद किए गए हैं। इन सब के आधार पर इन 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कुछ फेक आई कार्ड्स और इनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज करा दिया गया है। पूछताछ करते हुए इन्हें नए 15 लोगों को गिरफ्तार। सर, जांच के दौरान के ऐसे लोग भी पुलिस को के सामने आए हैं जिन्होंने जमीन बेची हो या कीमती सामान बेचकर उनको पैसे का भुगतान किया? जो अब तक की पूछताछ हुई है, जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेच करके इनको पैसा दिया है और अन्य जो भी इनके कॉन्टैक्ट थे उन सभी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त की जा रही है जिसको कि विवेचना में समय लगता है। लगभग कितने लोगों को शिकार बना दिया सर? अब तक इन्होंने लगभग 30 से 35 लोगों को इस तरीके से ठग रखा है और भी इनको इसमें केंद्रता से छानबीन करते हैं और कोई यदि प्रकाश प्राप्त है तो उससे संबंधित साक्ष्य इसमें सम्मिलित करेंगे। सर, मुजफ्फरनगर में करीब 5.5 लोगों को इसी तरह से निकाल दिया जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ आगे बढ़ा, क्या इस घटना का इस गिरफ्तारी का उस घटना से भी कनेक्शन है? अभी ऐसा कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, हम लोग इसमें जाँच और पूछताछ। नारस में केपी